हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि एक्सेस के इंट्रोडक्शन के बारे में। एक्सेस क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और एक्सेस आखिर होता क्या। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें एमएस एक्सेस की ना, तो एमएस एक्सेस से पहले आप लोग ये समझ लीजिए, इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे ऑफिस में क्या वर्ड, क्या पढ़े होंगे वर्ड। वर्ड के बाद आप लोग पढ़े होंगे क्या एक्सेल, और एक्सेल के बाद आप लोग पढ़े होंगे क्या पावर पॉइंट। क्या पढ़े होंगे पावर पॉइंट। अब ये एक्सेल पावर पॉइंट क्या है, तो आप लोग पहले पढ़े कि वर्ड क्या है, जो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को हम टाइप करके या कोई प्रोफेशनल लेटर हम बना सकते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है किसमें, वर्ड में। और एक्सेल हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कोई अगर जो किसी कंपनी का या कहीं भी डाटा एंट्री करना हो, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे एक्सेल का। और पावर पॉइंट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। लेकिन ये तीनों में आपको बताया गया होगा, ये तीनों क्या है, एक एमएस ऑफिस का पैकेज सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस का क्या है, पैकेज सॉफ्टवेयर। कि अगर जो सिर्फ हम एक एमएस है, एमएस अगर जो ऑफिस यूज करेंगे उसमें ये सभी एप्लीकेशन आ जाएंगे। उसी का एक पार्ट होता है एमएस एक्सेस। क्या होता है एमएस एक्सेस, किसका पार्ट है, ये ऑफिस का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, ऑफिस। जो हम लोग एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, उससे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, उसी का पार्ट ये भी है एमएस एक्सेस। उसी का पार्ट क्या है एमएस एक्सेस, और उसी का पार्ट एक और है आउटलुक। उसी का पार्ट अगला क्या है आउटलुक। दोनों का काम समझिएगा, जैसे नॉर्मली कहीं डाटा एंट्री पे काम करने जाएंगे ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर पे, तो आपको एक्सेल पे काम करना होगा। किस पे काम करना होगा, एक्सेल पे। लेकिन वही अगर हम जाएंगे, अगर जो बड़ी बड़ी किसी कंपनी में जाएं और जो वहां पे हमको डाटा एंट्री करना है, वहां पे जाकर इसका इस्तेमाल किया जाएगा एमएस एक्सेस, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे आप नॉर्मली ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में चले गए या छोटे मोटे किसी कंपनी में चले गए, एम्प्लॉय का सीट बनाना है या डेटा बनाना है, कोई फॉर्म तैयार करना है, तो आप एक्सेल पे आसानी से बना सकते। लेकिन वह जब बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएंगे ना, तो वहां पे कहीं भी किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी एम्प्लॉय का कोई भी डाटा एंट्री करना है, तो आपको किसमें करना होगा एक्सेस। लेकिन हाँ, एक्सेस हर एक इसमें ऑप्शन देगा, लेकिन एक ऑप्शन नहीं देता बार बार अंडू करने का। जैसे एक्सेल में हम लोग काम करते हैं ना, तो क्या करते हैं, जितनी बार काम करेंगे अंडू करते जाएंगे, कंट्रोल जेड करते जाएंगे, अंडू वापस आता जाएगा। लेकिन जब हम एक बार आ जाएंगे इसमें एक्सेस में आ जाएंगे, तो कभी ऐसा होगा कि वो एक बार क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा होगा वो बार बार अंडू नहीं होगा। उसके लिए ध्यान रखना होगा कि जो भी हम डेटा बनाएंगे एक्सेस में, उसको समझ के ही बनाएंगे। तो कभी भी ये पूछा जाए कि एमएस एक्सेस क्या है, हम ये कह सकते हैं कि एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों में डाटा एंट्री या फॉर्म या फिर रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, एक्सेस क्यों बेहतरीन है, क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां इसका यूज करती है, क्योंकि अगर हम एक्सेल पे काम करें तो ना ही हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते। जैसे सपोज करिए, हमारे कितने एम्प्लाई काम कर रहे हैं, उसका एक टोटली हमको फॉर्म निकाल के दे दीजिए, कितने टोटल एम्प्लाई हमारे पास काम कर रहे हैं। तो ये क्या एक्सेल पे पॉसिबल है, सिर्फ नाम प्रिंट कर सकते हैं कितने लोग काम करते हैं, यही होगा ना। लेकिन वही हम एक्सेस में आएंगे तो उनका एक फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, कौन सा एम्प्लॉय है, क्या एड्रेस है, क्या उसका फोटो, वो सारा डिटेल हम देख सकते हैं। दूसरी चीज, रिपोर्ट तैयार करना है, क्या तैयार करना है रिपोर्ट, या फिर हम ये चाहते हैं ना कि हम किसी ऐसे जगह पे काम करें जहाँ ज्यादातर हम सेल्स का काम कर रहे हैं, हमको परचे ऑर्डर मिल रहा है सेल्स ऑर्डर, और हम उसको सेल करते जा रहे हैं। दो चीज हम दिखा रहे हैं, एक डन का और दूसरा पेंडिंग का। जैसे हमको ऑर्डर मिला, जिसको हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, उसको हमने डन कर दिया स्टेटस, और जिसका पेंडिंग रहेगा उसको भी हमने क्या रखा है पेंडिंग। तो ये स्टेटस एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, कि हम देखना चाहते हैं कौन कौन सा किसका डेटा बचा हुआ है, वो सारा हम एक्सेस के माध्यम से उसको एक्सेस कर सकते। वो सारा किसके माध्यम से होगा, और जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर जो वर्ड में आए तो वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, वर्ड का डॉट क्या होता है डीओसी, क्या होता है डॉट डीओसी यानी कि डॉक्यूमेंट। और एक्सेल का, एक्सेल का डॉट एक्सएल एक्सएलएस, और पावर पॉइंट का डॉट पीपीटी,
pdf.ppt। राजन अपना माइक्रोफोन बंद करो बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, इसका क्या होगा? डॉट पीपी। सेम उसी प्रकार से हम एक्सेस में आएंगे ना, तो एक्सेस का एक्सटेंशन होता है डॉट ACDB। क्या होता है? डॉट ACDB। नोट कर लीजिएगा, ये एक्सेस का एक्सटेंशन नेम क्या होगा? डॉट ACDB। जो भी डेटा है वो डिलीट ना हो, उसके लिए हम कहाँ पे सेव करते हैं? डी ड्राइव। क्योंकि आप लोग जब टैली पढ़े होंगे ना, वहां पर भी बताया गया जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं ना, ज्यादातर किस ड्राइव में? डी ड्राइव। क्योंकि जब कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो वहां पर हम अपने सी ड्राइव को क्या कर देते हैं? फॉर्मेट, और डी ड्राइव को छोड़ देते हैं। तो डी ड्राइव का डेटा क्या हो जाता है? सेफ बच जाता है। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया एक्सेस ओपन करना है। आप सर्च बॉक्स पे आइए, यहाँ क्या लिख लीजिए? एक्सेस। क्या लिखना है? एक्सेस। क्लिक करेंगे तो भी एक्सेस ओपन हो जाएगा, और नहीं तो आप विंडो के साथ आर बटन दबाइए और यहाँ पे लिखिए क्या? MS Access। हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम चले कहाँ पे? प्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। पहले पूछ रहा है ये डाटाबेस 4 ही क्यों दे रहा है? क्योंकि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सेल एक्सेल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? बुक वन होता है। क्या होता है? बुक वन। दोबारा सेव करेंगे तो बुक टू, ऐसे बनता जाता है ना। दोबारा सेव करेंगे तो बुक थ्री, ऐसे बनता जाता है ना। या फिर अगर जो आप वर्ड का कोई फाइल सेव कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट किस नाम से होता है? DOC नाम से। डॉक्यूमेंट वन या फिर डॉक्यूमेंट टू, ऐसे सेव होता जाता है ना। वैसे अब एक्सेस का फाइल सेव करेंगे तो बनेगा क्या? डाटा डाटाबेस वन से स्टार्ट होगा और जहां तक आप बनाते हुए चले जाइए। देखिए, पहले डाटाबेस नाम से बना होगा, फिर डाटाबेस वन, डाटाबेस टू, डाटाबेस थ्री। अब नंबर किसका आया? डाटाबेस नहीं होते, एक बार चेक कर लीजिए जाके वहां पे। किस लोकेशन पे जाना होगा? दिस PC। और उसके बाद से डॉक्यूमेंट, सी ड्राइव का ही डॉक्यूमेंट है ना, इंस्टॉल करके नीचे आ जाइए। देखिए, बना हुआ है डाटाबेस वन, डाटाबेस टू, डाटाबेस, इसलिए डाटाबेस 4 नाम दे रहा था ना। तो एक्सेस का बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है? डाटाबेस। क्या आता है? डाटाबेस। कोई दिक्कत इसमें? जैसे ये ध्यान रखिएगा, ज्यादातर एग्जाम में पूछता है एक्सेल का बाय डिफॉल्ट नेम या फिर एक्सेस का बाय डिफॉल्ट नेम। एक्सेल का अगर जाएंगे तो बुक वन होता है। क्या होता है? बुक वन होता है। और जब एक्सेस का जाएंगे तो क्या होता है? डाटा बेस होता है। एक्सेस का क्या होता है? डाटा बेस होता है। क्लियर सबको? अब देखिए, हमको करना क्या होगा? अब सबसे पहले हम एक्सेस ओपन कर ले, विंडो R MS Access क्लिक कर दिए। हम ये चाहते हैं इसको यहां नहीं सेव करके, बल्कि हम कहीं और सेव करें, यानी कि सीट ये डॉक्यूमेंट में नहीं दे करके बल्कि कहीं और सेव करें। तो आपको यहाँ पर बगल में फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। किसका ऑप्शन दिख रहा होगा? फाइल दिख रहा है ना। अब देखिए, यहाँ दिया है कि ये डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है, किस नाम से? तो डाटाबेस 4 के नाम से। हम फाइल पे क्लिक करेंगे, पूछेगा कहाँ सेव करना आखिर आपको। तो डी ड्राइव में सेव कर सकते हैं ना, नहीं सी ड्राइव सेफ नहीं। हम कहाँ जाएंगे? डी ड्राइव। और डी ड्राइव में आने के बाद से चलिए एक फोल्डर हम ले लेते हैं। डी ड्राइव में आ गए और एक फोल्डर क्रिएट कर लिए पहले। अपना बैश कोड दे सकते हैं ना, कंट्रोल से प्रयन किए और नाम दे दिए MS Access 8.4। अपने बैश का नाम दे दिए ताकि पहचानने में आसानी रहे। तो अब हम यहाँ से क्या लेंगे? जब यहाँ पे जाएंगे डी ड्राइव में ना, अब आपको आपके फोल्डर का नाम दिखाई देने लगेगा, MS Access 8.0।
इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट डाटाबेस बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? स्टूडेंट डाटाबेस बनाना। तो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे क्या, स्टूडेंट एक बार यहाँ आते हैं और इसका नाम क्या देना है, स्टूडेंट डाटाबेस ना, स्टूडेंट डाटाबेस हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे हम, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अब इसका लोकेशन कहाँ लेके आया है, बता रहा है डी ड्राइव और किस फोल्डर में, एमएस एक्सेस 8.4, और किस नाम से सेव हो रहा है उसके अंदर, स्टूडेंट डाटाबेस, इसका एक्सटेंशन दिया है .ACC DB, हो जाएगा ना। इतना करने के बाद से फिर दोबारा आना पड़ेगा जी, जूम आउट करने फट जा रहा है। और यहां से क्या कर लेंगे, ओके, फिर किस पे क्लिक करना होगा, क्रिएट पर। अब जैसे क्रिएट पे क्लिक किया ना, देखिए हमारा एक्सेस का फाइल ओपन होके आ चुका है। और जब आप ये क्लोज कर दिए ना और आपको ओपन करना है वही फाइल, तो विंडो RMS एक्सेस ओपन करेंगे तो नहीं होगा, तब आपको रिसेंट वाले में आना होगा। और वैसे ओपन करना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा, दिस पीसी के बाद से डी ड्राइव, और किस फोल्डर में सेव किए हैं, एमएस एक्सेस, यही वाला था फाइल, दिख रहा है सबको ना, ओपन कर ले, ओपन हुआ। और हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लगभग आप लोग जब एक्सेल पे काम किए होंगे ना, एक्सेल पे आप डायरेक्टली यहाँ हेडिंग लिख लिए होंगे, एक्सेल में भी आप लोग स्टूडेंट डाटाबेस बनाना पड़े हैं ना, तो स्टूडेंट डाटाबेस हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्टली पहले हेडिंग दे दिए थे, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स, फी, पैड और ड्यू, यही हम लोग बनाए थे ना, इसमें डायरेक्टली हेडिंग लिखते हुए चले गए थे। लेकिन जब हम यहाँ आएंगे एक्सेस में, हमको कोई भी काम करना है पहले डिजाइन करना होगा। क्या करना होगा, डिजाइन करना होगा। जैसे हमको अगर जो एक टेबल ही बनाना है, पहले कहाँ आएंगे, क्रिएट, किसमें आएंगे, क्रिएट। तो क्रिएट में आपको ऑप्शन दिखाई देगा टेबल का, क्रिएट में आने के बाद हम क्या ले लिए, टेबल, आपको टेबल वन दिख रहा है ना, क्या दिख रहा अभी आपको, टेबल वन। तो जब तक हम इसको डिजाइन नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा कोई हेडिंग तैयार नहीं होगा। अब इसको डिजाइन कैसे करेंगे, तो पहले आप होम टैब में आइए, पहले अब होम टैब का ऑप्शन हाईलाइट नहीं था ना, जब टेबल नहीं था तो होम टैब में ऑप्शन हाईलाइट था, एक बार डिलीट कर दे रहे हैं, देखिए पहले इसको यहाँ से हटा दिए क्लोज, और हट गया है ना, अब देखिए कोई ऑप्शन हाईलाइट मिल रहा है आपको होम टैब में, लेकिन जैसे क्रिएट पे जाकर हम टेबल ले लिए, अब आ जाए किसमें, होम, अब ऑप्शन हाईलाइट मिल रहा है पहला व्यू का ना, व्यू में जब जाए तो आपको दिखा देगा डाटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। डाटा सीट व्यू क्या है और डिजाइन व्यू क्या है समझ लीजिए, तो जब भी हमको कोई हेडिंग बनाना होगा, क्या बनाना होगा, हेडिंग बनाना होगा, हमको आना होगा डिजाइन व्यू में, किसमें आना होगा, डिजाइन। और अगर जो कोई डाटा एंट्री करना होगा, जैसे स्टूडेंट का नाम लिखना, उसका फी एंट्री करना है, फिर किसमें रहना होगा, डाटा सीट व्यू, किसमें रहना होगा, डाटा सीट व्यू। दोनों का मतलब पहले समझ लीजिए, पहले हम एमएस एक्सेस ओपन किए और उसके बाद फाइल देख हम क्या कर लिए, सेव कर, इतना हो जाएगा। सेव करने के बाद हम कहाँ गए, पहले क्रिएट, क्रिएट में जाने के बाद क्या ले लिए, टेबल, ऐसे टेबल आ गया। अब इस टेबल पर हमको काम करना है, स्टूडेंट डाटाबेस में का हेडिंग लिखना होगा ना, तो अभी हेडिंग देखिए लिखने का ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर हम लिख दिए कुछ भी, एंटर कर ले रहे हैं, फिर लिख दिया यहाँ पे कुछ भी, एंटर कर दे रहा है, लिख दिए एंटर कर दिए, ऐसे अपने आप बढ़ता जा रहा है ना। फिर नीचे आएंगे, नीचे इसी में हम लिखते हुए चले जाएंगे, क्या ये मेन हेडिंग फील्ड वन, फील्ड टू, फील्ड थ्री दिख रहा है ना, लेकिन हमको क्या बनाना है, टेबल बनाना है ना, तो पहले चले इसको क्लोज कर दिए, टेबल ले लिए, अपने हिसाब से डिजाइन करना है तो हम होम टैब में आके, या फिर आपको इसी मिलेगा
फील्ड वाले में, व्यू का भी आपसे। अभी व्यू में किस, हम डाटा सीट पे है ना, तो डाटा सीट को हटा के हम किस में आ जाएंगे, डिजाइन। पूछेगा टेबल का क्या नाम होना चाहिए, हम दे दिए स्टूडेंट, स्टूडेंट डाटाबेस। और यस क्या कर लिए, तो पहले देखिए फील्ड नेम पूछ रहा है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमको अपना हेडिंग क्रिएट करना है। यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, हेडिंग क्रिएट करना है, और पूरे हेडिंग का अलग अलग डाटा टाइप होता है। अलग अलग क्या होता है, डाटा टाइप। जैसे अगर जा आपको कहीं नंबर लिखना है ना, तो आप यहाँ पे लिख दिए नंबर, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा नंबर। जैसे देखिए हम आईडी लिए हैं ना, आईडी किस में रहेगा, अल्फाबेट में लिखेंगे कि नंबर में लिखेंगे, जो आईडी है वो किस में लिखेंगे, नंबर में लिखेंगे ना। तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारा ऑप्शन, सभी ऑप्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि किसका कहाँ यूज करेंगे। देखिए जहां हम नेम लेंगे, जहां क्या लेंगे नेम, चाहे फादर नेम ले, चाहे स्टूडेंट नेम ले, चाहे एम्प्लाई नेम ले, किसी का भी नाम लेंगे, तो उसके टाइप में हम क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। याद रख लीजिएगा, कहीं भी नाम लेंगे तो वहां पे क्या रखेंगे, हम शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। लिख लीजिए फिर बेहतर बेहतर रहेगा, ऐसे फिर लिख लीजिएगा। जानते हैं कैसे, दो कॉलम बना लीजिए, कैसे और एक ऐसे, दो कॉलम बन जाएगा। एक में लिख लीजिए ऐसे नेम, नेम के आगे लिख लीजिएगा शॉर्ट टेक्स्ट, क्या लिख लेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। दो कॉलम बना के लिख लीजिए, एक तरफ फील्ड नेम, एक तरफ क्या लिख लेंगे, फील्ड नेम, और दूसरे तरफ डाटा टाइप। दूसरे तरफ क्या लिखना है, डाटा टाइप। हम यहीं पे करते यार, आप लोग देखते जाइएगा कि सबसे पहले हम दे दें रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर को हम करेंगे किसमें, नंबर में, इसमें करेंगे नंबर, नंबर में आने वाले दे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम किस में जाएगा, शॉर्ट टेक्स्ट, किस में जाएगा, शॉर्ट टेक्स्ट। और उसके नीचे हम ले लिए क्या, एड्रेस, एड्रेस जाएगा लॉन्ग टेक्स्ट, किस में जाएगा, लॉन्ग टेक्स्ट। उसके लिए दिए हम कोर्स, क्या लिख दिए, कोर्स। तो कोर्स देखिए फिलहाल अभी हम रखेंगे किसमें, शॉर्ट टेक्स्ट में, लेकिन जब आगे जाएंगे ना, हम इसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बताएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोग पढ़े हैं ना एक्सेल में, एक्सेल में आप लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पढ़े हैं ना डाटा वैलिडेशन के माध्यम से, तो वैसे हम इसका कोर्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। कोर्स का क्या बनाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो उसके लिए हमको यहाँ से क्या लेना होगा, शॉर्ट टेक्स्ट के बजाय लुकअप विजार्ड लेना होगा, क्या लेना होगा, लुकअप विजार्ड। ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब नेम लेंगे तो वहां पे आप रखेंगे क्या, शॉर्ट टेक्स्ट। नेम लेंगे तो क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट, और यदि एड्रेस लेंगे तो लॉन्ग टेक्स्ट। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, एड्रेस के लिए लॉन्ग, और कोर्स के लिए फिलहाल अभी हम क्या रख रहे हैं, शॉर्ट टेक्स्ट। अगर हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना हो ना, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए कहाँ जाना होगा, लुकअप विजार्ड में, कहाँ जाना होगा, लुकअप विजार्ड। देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक ऑप्शन है और जैसे भी आपको दिख रहा हो ना, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ही बोला जाएगा। क्लिक करें तो सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो चाहिए हम उसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, वही ड्रॉप डाउन लिस्ट बोला जाएगा। वैसे बनाने के लिए हमको कहाँ आना होगा, लुकअप विजार्ड में, एक बार करेंसी कर दिए ना, किसमें आना होगा, लुकअप विजार्ड। जब लुकअप विजार्ड में आए तो आपको दिखाई देगा आई विल टाइप, टाइप करेंगे फिर यहाँ से क्या करना होगा, नेक्स्ट। अब यहाँ टाइप कर लीजिए अपने कोर्स का नाम, जैसे हम दे दिए पहला DFA, उसके नीचे वाले ने दिए क्या ADFA, उसके नीचे DCA, उसके नीचे ADCA, उसके नीचे ट्रिपल्स, इतना नाम टाइप कर दिए ना। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करके क्या कर लेंगे, फिनिश कर देंगे।
इनमें क्या क्या दिया? रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए नंबर, स्टूडेंट के लिए शॉर्ट टेक्स्ट, एड्रेस के लिए लॉन्ग टेक्स्ट, कोर्स के लिए हम किस में चले गए हैं? लुकअप विजार्ड। और लुकअप विजार्ड में जाने के बाद से आई विल टाइप, फिर क्या किए हैं? नेक्स्ट। और यहाँ टाइप कर लिए थे क्या क्या? डी एफ ए, ए डी एफ ए, डी सी ए, ए डी सी ए, और उसके नीचे ट्रिपल्स हो जाएगा। फिर क्या किए हैं? नेक्स्ट। और उसके बाद से अगला हम यहाँ दे देंगे फी। अगला क्या देंगे यहाँ पे? फी। फी को किस में रखना होगा? नंबर में ना। इसको रखें किस में? नंबर। नंबर के बाद हमको देना होगा पैड, कितना जमा हुआ, ये भी किस में रहेगा? नंबर। और उसके बाद हम दे देंगे ड्यू, ड्यू भी किस में रहेगा? नंबर। क्योंकि तो इन सब में नंबर लिखना है, और इन सब में क्या करना है? टैक्स लिखना है। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? हाँ। इसके बाद से पहले अपने डाटाबेस को यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या कर लेना होगा? सेव करना होगा। पहले क्या करना होगा? सेव। अब सेव करने के बाद से व्यू में आके, डिजाइन व्यू पे है ना, अब किस में आ जाएंगे? डाटा सीट व्यू पे। अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। अब हमारा सारा हेडिंग तैयार हुआ है ना। हेडिंग तैयार करने के लिए हम कहाँ गए थे पहले? डिजाइन व्यू में। जो भी हमको हेडिंग तैयार करना, हम हेडिंग तैयार कर लिया। और उसके बाद फिर हम आ गए डाटा सेट व्यू में। अब जो भी हमको डाटा एंट्री करना है, हम डाटा एंट्री करते हुए चले जाए। पड़ाना कोर्स के लिए देखिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगा यहाँ, दिख रहा है ना? क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने क्या लिया? लुकअप विजार्ड। और लुकअप विजार्ड हमने क्या बना लिया? ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया। हो जाएगा? तो अभी तक हमने आपको जो इसका इंट्रोडक्शन समझाया, ये क्लियर है सबको ना? तो कहीं भी सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि एम एस एक्सेस क्या है, हम सिंपल ये जवाब देंगे, एम एस एक्सेस क्या है हमारा? तो ऑफिस का एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियों में डाटा एंट्री किया जाता है, और उसके माध्यम से उस कंपनी का रिपोर्ट या फिर फॉर्म तैयार किया जाता है। क्लियर सबको? और एक्सेस पे यदि कोई काम करेंगे, वो काम करने से पहले हमको एक्सेस का फाइल क्या करना होगा? सेव करना होगा। और सेव करना हो, जब डाटा एंट्री करने जाएंगे, तो डाटा एंट्री करने से पहले हमको डिजाइन करके उसका हेडिंग तैयार करना हो। क्लियर है ना? तो अभी हमने आपको इसमें सिर्फ कुछ ही ऑप्शन बताया। जब डिजाइन व्यू में आ रहा है ना, तो इसमें कुछ ही ऑप्शन के बारे में हमने आपको बताया, जैसे शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, और एक नीचे वाला हमने आपको बताया क्या? लुकअप। और अगली क्लास हम लोग सबके बारे में जानेंगे कि ये डेट एंड टाइम का कब यूज करेंगे, करेंसी का कब यूज करेंगे, यस या नो, ऑटो नंबर, वैल्यू ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेट, इन सब का कब यूज करेंगे हम आपको बताएंगे अगली क्लास। क्लियर है ना? फिलहाल आज आप लोग लैब में जाइएगा, एक्सेस ओपन करिएगा, इतना ऑप्शन समझ के आइएगा, फिर आपको बताएंगे अगली क्लास। वही करना, फिर हमको डी ड्राइव में ही जाना होगा। कहाँ बनाए हैं? हाँ, दिस पीसी, डी ड्राइव, एम एस एक्सेस नाम दिए है ना, यही फाइल है ना, ओपन करेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट डाटा बेस, यही है ना, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। आ गया? फिर आगे जो काम करना है करते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।